आपका बेटा आपको पूछ रहा है कि पापा आपने तो मुझे वही कहा था कि पेडल लगाए बिना कभी साइकिल चलती नहीं है, और ये आदमी जो साइकिल से भाग रहा है उनके पैर पेडल पे तो है ही नहीं, उनके दोनों पैर सीट पर है और फिर भी साइकिल भागती है, तो पापा आप क्या झूठ बोलते थे या मैं जो देख रहा हूँ वो झूठ है? तू जो देख रहा है ना वो तेरा अपूर्ण दर्शन है। ये जब घर से निकला ना तब उसने इतने जोर से पेडल लगाया होगा, आज हमें दिखाई नहीं पड़ता है वो पेडल मार रहा है, मगर इनके दोनों पैर सीट पर है वो इतना ही प्रूव करता है कि बिना पेडल तो साइकिल चलती नहीं। मैंने जो बोला था वो सही थे। और बेटा अभी बताऊँ, जिस दिन जिस टाइम इनके पेडल की गति कम होगी उसी टाइम उनकी साइकिल रुक जाने वाली है। अब ये बोलेंगे पक्का गारंटी के साथ ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिना पेडल लगाए साइकिल चलती वो लड़के ने देख लिया, मगर आपने कॉज एंड इफेक्ट, बिना कारण कभी कार्य होता ही नहीं, नेवर, तो आपने ये बोल दिया कि बेटा मुझे और तुझे दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं उसने पेडल लगाया है और उनकी ताकत से साइकिल चलती है, जैसे ही पेडल की गति जो मिली थी कम हो जाएगी अपने आप से साइकिल रुक जाएगी। इस जन्म में शायद धर्म नहीं भी किया हो, मगर गत जन्म के धर्म के पेडल इतने जबरदस्त लगाए हैं कि बिना धर्म के पेडल भी आज इनकी साइकिल तेज गति से चलती है, मगर जिस दिन वो गत जन्म का पेडल रुक जाएगा उसी दिन वो मामला खत्म हो जाएगा। आपके मन में ये लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता है? बिना पेडल साइकिल चलती नहीं है, बिना धर्म 100% सुकनी मिला, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब डायरिया हो चुका है, और डॉक्टर ये सीधा पूछेंगे, प्रवीण क्या पूछेंगे मालूम है, आज क्या खाया? बोलेगा कुछ नहीं। कल क्या खाया? कुछ नहीं। परसों कुछ नहीं। इनके पहले कुछ नहीं, इनके पहले कुछ नहीं, मे बी पॉसिबल 5 दिन तक उसने पेट में कुछ डाला नहीं था, मगर डॉक्टर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो बोलेगा कि मैंने 7 दिन के पहले कुछ खाया था। बराबर है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं खाया फिर भी उनको डायरिया हो गया, तो डॉक्टर तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं तो खाने में गलती की होगी, इनके बिना डायरिया हो ही नहीं सकता। मैं यही कहता था, इसी जन्म में एक भी गलत कार्य नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं खमण खा लिया है और उसके हिसाब से डायरिया चल रहा है। पाप करने के बावजूद भी सुख मिलता है और धर्म करने के बावजूद भी दुख आया है, वो इस जन्म की बात नहीं है, वो अगले जन्म की बात है। धर्म उसी जन्म में किया था, आज इस जन्म में कुछ नहीं कर रहा है और इसके लिए उनके जन्म में भी दुख है। किसी को भी शंका है तो मुझे पूछो, मुझे सही रास्ते पे जाने में भी मजा नहीं, और साले बदमाश मजाक कर रहे हैं, माने कहीं ना कहीं आपके मन में भी उनके सुख का आकर्षण है। बराबर है? सच बोलो, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, पापी को सुखी देख करके आपके मन में भाव क्या जाता है? प्रवीण बोलो, पापी को सुखी देख करके और धर्मी को दुखी देख करके आपके मन में फीलिंग्स क्या पैदा होती है? सच बोलो, आगे क्या सोचते हो? ऐसा क्यों हुआ? बराबर है? आगे क्या सोचते हो? आप राइट ट्रैक पर चलने के हिसाब से संसार के क्षेत्र में आप पीछे रह गए, और रॉन्ग ट्रैक पकड़ा वो आपसे बहुत आगे निकल गए। ये अनुभव आपका देख करके आपको मन में क्या होता है? किसकी? एक ओके, मैं आपको बताऊं एक छोटी, हाँ क्या हुआ? पेडल मारा तो, मगर अभी वो पैर सीट पर है ना, कब तक चलेगी? आपको बताऊं मैं, अभी इसने पैर सीट पर रख दिया, अभी पेडल मारता ही नहीं, तो धीमे 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 वो रुक जाएगी ना, तो चलती है ना, हाँ धरती चलती है, मजे से चलती है, मगर तुम पेडल भी मारते हो, टायर में पंचर भी है, तो कैसे चलेगी? तुम मंदिर में भी जाते हो, होटल में भी, थिएटर में भी जाते हो, ये पुण्य कला तब भी करते हो और होटल में भी जाते हो, भगवान की स्तुति भी बोलते हो, गाली भी बोलते हो, एक और पेडल मारते हो, दूसरे टायर में पंचर है, तो कैसे चलेगी तुम्हारी ट्रेन? क्या हो गया? तुम मुझे पूछो ही नहीं, मैं टीवी खड़ा दूंगा।
पंचर किया क्या है ही पंचर। और आपको मालूम है पंचर वाली गाड़ी में बैठ सकते हो, चलती नहीं है। छोटे की गुरुदेव मार खा रहे हम, कहीं पेमेंट आता नहीं है, बिजनेस नहीं है, मंदी जबरदस्त है, तुम ये छोड़ दो, तुमने पैडल मारा ही नहीं और अभी तुम मारते हो, वो भी मजबूरी से। मैं एक रिपीट करके बताऊं, सच बोलो आप धर्म कितने आनंद से करने वाले, कितने बहुत आनंद के साथ धर्म करने वाले कितने। मैं बताऊं तुम्हारी बात, जब भी चैरिटी करने का मौका आता है ना तो तुम्हारी तीन कमजोरी है। मैं बताऊं चैरिटी करने का जब भी तुम्हारे जीवन में मौका आया तो तुम्हारी तीन कमजोरी, नंबर एक न देना पड़े तो अच्छा, ये तुम्हारे मन में पहले नंबर का भाव। तुमने हो सके उतना टालने का प्रयास किया, यदि मैं बच सकता हूँ तो ठीक है, न देने का हो तो अच्छा नंबर एक, देने का हो तो कम से कम देना वो नंबर दो, और जो भी देना है वो भी रोते रोते देना नंबर तीन। एम आई राइट और रॉन्ग?